दोस्तों, पिछली वीडियो को हमने आसन नदी पर जाके खत्म किया था और वहीं से हम आपको जो नेक्स्ट अपडेट है वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम यहाँ से जोरा तक का आपको पूरा कंप्लीट कवरेज जो है वो ला कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी वीडियो को हम शुरू करने का प्रयास करते हैं और आपको चलते हैं जोरा की तरफ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही इस YouTube चैनल उड़ता कबूतर में। तो दोस्तों, अभी जो हम खड़े हुए हैं वो हम खड़े हुए हैं आसन नदी से आगे चलकर आ गए हैं हम सीधे जोरा के जो नहर पे पुल पड़ता है, हम वहां पर आ चुके हैं। इस नहर के ऊपर भी एक छोटा पुल बनाया गया है, जो सिंगल गार्डर का पुल है वो बनाया गया है, और यहाँ से दो रास्ते जो है वो निकाले गए हैं उसके नीचे से, जो अंडरपास टाइप के होते हैं उस हिसाब से। और इस पुल के ऊपर मैं आपको सीधा ले जाने का प्रयास करूँगा, वही बताने का प्रयास करूँगा कि ऊपर जो है कितना काम हो चुका है, क्योंकि अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उसका जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उस पर वायरिंग का काम आप देख सकते हैं वो लगभग हो चुका है। तो अब दोस्तों थोड़ा प्रोजेक्ट के एनालिसिस कर लेते हैं कि ग्वालियर से लेकर सुमावली के बीच में ट्रेन जो थी वो चालू हो गई है। दूसरी बात यह है कि सुमावली से लेकर जोरा के बीच में जो ट्रैक डालने का काम है वो बहुत अत्यंत स्पीड से किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि जोरा से कैलारस के बीच में पटरी बिछने का काम है वो भी अंतिम चरणों पर ही है, यानी कि अभी जोरा से कैलारस के बीच में पटरी है वो धीरे धीरे बिछाई जा रही है, जिसपे आगे मालगाड़ी 160 मीटर लंबी पटरी जो है वो डालेगी। तो वो भी काम जो है धीरे धीरे चल रहा है। तो अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं, हम यही इसी लाइन से आए थे आसन नदी की तरफ से, और आसन नदी से यहाँ तक जो है पटरी डल के कम्प्लीट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, और यहाँ पे जो जोरा की नहर है वहाँ भी छोटे मोटे काम जो है वो पैचवर्क है वो किए जा रहे हैं। अभी जो एक ट्रेन का रैक था वो आया था, और उसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो दिखा दूंगा। दोस्तों क्या है, वीडियो दो दिन में शूट हुई है। एक वीडियो शूट हुई जब ट्रेन ट्रैक का जो सेट आने वाला था उससे पहले, और अगले दिन जब मैं दोबारा जोरा गया तब वहाँ पे ट्रेन जो है वो आ रही थी और हॉर्न जो है वो बजा रही थी। कानों को जो सुकून मिला ना जब हम बैठे हुए थे, मतलब काम में बैठे हुए थे, तब हमने देखा पीछे से ट्रेन के हॉर्न के हॉर्निंग करने की आवाज़ आ रही है। दोस्तों जो सुकून था ना कि जोरा तक जो ट्रेन है वो फाइनली आ चुकी थी, और वो उसका मैं आपको सीन दिखाऊंगा कि कैसे जो रेलवे लाइन है वो डाली जाती है, मतलब जो इस पटरी के ऊपर रेलवे लाइन को कैसे डाला जाता है। हालांकि बहुत नॉइस वाला काम होता है, उसमें नॉइस बहुत अधिक मात्रा में होती है, उस नॉइस को मैं सुन भी नहीं पा रहा था इतना अधिक मात्रा में। और वो लोग कितनी मेहनत करते हैं जब एक इतनी भारी रेल की पटरी कि अगर वो पैर पर गिर जाए तो पैर का कचूमर निकल जाए, इतनी भारी पटरी को किस प्रकार से उतारते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कई सारी चीज़ों को कवर किया है। सबसे पहले तो जोरा की नहर को कवर किया है। सामने आप देख सकते हैं कि जो पुराने नहरों के का पुल है उसको ऐसा लग रहा है कि विरासत की तरह संभाल कर रखा गया है, और हो सकता है उसमें किसी प्रकार का कुछ, मतलब उसको प्रदर्शनी टाइप का सजा कर दिया है ताकि उस पर जो टिकट लगा कर प्रदर्शनी दिखाएंगे। हालांकि बाद में उसको उखाड़ के ले जाएगी नीलामी के लिए रेलवे, अपना जो लोअर लंगड़ हो उसको ले जाती है पूरी, उसके बाद उसको नीलाम करवाती है, नीलाम करवा कर उसी को रिसाइकल करवा के और वापस से जो रेलवे ट्रैक है उसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों लोहा तो रिसाइकल हो सकता है, उसमें बस चीज़ है जो स्टील की जो अपनी कार्बन की मात्रा बढ़ा घटा के या फिर मैग्नीज की मात्रा बढ़ा घटा के कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं ताकि उसकी जो स्ट्रेंथनेस है वो जो उसकी लचीलापन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, इस हिसाब से रेलवे ट्रैक को तैयार किया जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो पुल है पुल के अंदर भी वायरिंग का काम जो अभी वायर को सपोर्ट करने के लिए लगेंगे अभी वो सब कुछ नहीं लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा काम जो है अभी दोस्तों हर जगह पे बाकी है, मतलब पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, धीरे धीरे काम जो चल रहा है। अगला रैक जो है पटरी का जब भी आएगा तो मैं आपको उसके लिए हो सकता है वीडियो बना दूंगा, या फिर जब भी वो आएगा तो आपको मैं उस बारे आपको जानकारी अवश्य दे दूंगा। तो यहाँ से मुड़ के जाती है, सामने आपने पुल देखा तो वो जो पुल है अब उस पुल पे भी हम जाने का प्रयास करेंगे, जो अपना सिटी ब्रिज पड़ता है जोरा का वहाँ पे हम जाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है हालत है, और सामने देखिए सिलेंडर पड़ा हुआ है,
तो ये जोरा का पुल, मैंने आपको पूरा का पूरा पुल जो है वो दिखाने का प्रयास किया। अब इस पुल से चलिए फटाफट से नीचे उतरते हैं, क्योंकि अगर ऐसे आपको दिखाते रहे वीडियो में तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है और थोड़ी सी दिक्कत हमको आती है। तो ये सामने जोरा को पानी रोकने के लिए नहर पे छोटे छोटे बांध जो है वो भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा वीडियो में बहुत सारी चीजों कवर की जाता है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। कुछ इस प्रकार से दोस्तों जोरा ब्रिज की जो है वो हालत है, और अभी जोरा की नहर जो है वो सूखी पड़ी हुई है। अभी इसको चालू किया जाएगा जब सिंचाई का टाइम आएगा, जब अपने गेहूं की बोनी शुरू होगी तब। अब धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे जाके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसा काम जो है चल रहा है जोरा सिटी ब्रिज पर। जोरा सिटी ब्रिज से पहले मैं आपको जो पटरी डाल रही है रेल वहाँ पर ले जाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ दोस्तों देखिए ये किस प्रकार से यहाँ पे भी पत्थर की साइडिंग है वो भी कंप्लीट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधे जहाँ पर रेल पटरी डाल रही है वो देखिए। जब मैं आया यहाँ पर तो मतलब मुझे वीडियो शूट करनी थी, और मैं जब यहाँ पर आया तो जब देखा मैंने कि ट्रेन जो है पटरी डालते के बहुत आगे जा चुकी थी, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था इसलिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और आगे जाके मैं अब थोड़ा सा आपको समझाने की जगह आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, और आप इस चीज़ को खुद देख के महसूस करना कि पटरी को कैसे जो है वो डाला जाता है। तो मैं आपसे थोड़ा आगे आके मिलूंगा, और इस वीडियो के मतलब जो ये चल रही है इसके बाद मैं आके आपको मिलूंगा सीधे जोरा के सिटी ब्रिज पर, और सिटी ब्रिज से फिर मैं आपको उसके आगे भी ले जाऊंगा, और आगे ले जाऊंगा सीधे जोरा के स्टेशन तक, क्योंकि बीच में सभी जगह पर दोस्तों पटरी बिछी गई है और हर जगह पर वही काम है। केवल जो मुख्य मुख्य जगह है वो आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर आके मैं आपको यहाँ पर साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कितना जो है काम वो किए जा रहा है। अभी आप ऊपर देख सकते हैं खम्भों पर भी इलेक्ट्रिक वायर नहीं है। तो चलिए आप बाकी की बात जो है हम आगे करते हैं, और आगे करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि पटरी किस प्रकार से डाली जाती है। दोस्त लोगों आपने देखा इस वीडियो में कि कितनी मेहनत द्वारा इन लोगों के द्वारा जो रेल लाइन है उसको जो है वो डाला जाता है, और ये लोग कुछ बेचारे मेहनती लोग हैं, इनके द्वारा ही हम नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो रेलवे ट्रैक है उसका आनंद ले पाएंगे। दोस्तों आप लोगों से एक विनती है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं देखिए,
पर आप मुझे ये बताइए कि आगे मुझे वीडियो में और क्या लेके आना है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट का काम जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको और किस चीज़ में वीडियो चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको ट्रैवलिंग संबंधित वीडियो अच्छी लगती है, रेलवे के ट्रैवलिंग की वीडियो जो है अच्छी लगती हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उस तरह की वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वैसा वैसा मैं आप लोगों के लिए करता जाऊँगा, इसलिए आप लोगों का जो कमेंट होता है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, दम से लाइक कीजिए और दम से कमेंट कीजिए, लाइक से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए और बताइए अपनी राय को कि वीडियो अच्छी लगती है ख़राब लगती है। और जो लोग मेरी वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ कि भाई गलत क्या है इस वीडियो में, कि मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए कि अगर भारत के अंदर या हमारे शहर के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें गलत क्या है, तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। बताइए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल यही उम्मीद है कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, दम से कमेंट कीजिए और डिसलाइक करने वालों को बताइए कि भैया हमारी जो क्षेत्र वहाँ पे विकास अच्छा हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों देखिए, जो थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी मतलब जस्ट एक दो दिन पुरानी थी, जब वो ट्रेन आई थी, ट्रेन यहाँ तक आ चुकी थी और यहाँ पर देखिए जब अलाइन करने का काम चल रहा था, यानी कि पुल से पटरी को अलाइन करने का काम जो है वो चल रहा था, तो उस टाइम की मैंने वीडियो ली थी। तब थोड़ा सा इस थोड़े से हिस्से की पटरी है वो उखाड़ दी गई थी। यहाँ देखिए पटरी आ चुकी है, स्लीपर भी रखे हुए हैं। ये अब जब वीडियो अपलोड होगी, जब भी ये वीडियो अपलोड होगी तब यहाँ पे पटरी डल के कम्प्लीट हो चुकी होगी, यानी कि यहाँ से और जोरा के स्टेशन तक पटरी का काम पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया है। शहर में उसके दोस्तों हमने वीडियो शूट नहीं किया है, उसके पीछे कारण था क्योंकि शहर के बीच में पूरा का पूरा काम जो है ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, इसलिए ज़्यादा दिखाने का मकसद मेरा समझ में नहीं आया। तो अभी मैं आपको जोना के पुल पे जो क्रॉस करके दिखा देता हूँ कि कैसा क्या काम यहाँ पे चल रहा है। हालांकि दोस्तों जोरा का सिटी ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं बचा हुआ है। और ये लाइन दोस्तों जल्द से जल्द जोरा से लेके जो ग्वालियर से लेके जोरा के बीच में भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों आज या कल में ही एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, उससे बताया गया है कि ग्वालियर से बीच में सुमावली के बीच में जो ट्रेन चल रही है उसके इतने फेरे लगाए जा रहे हैं और उसके बाद उसमें पैसेंजरों की संख्या 5 से 10 है। मैं मानता हूं दोस्तों 5 से 10 पैसेंजरों की संख्या है, कम संख्या है, और हमारे द्वारा पहले से ही प्रोडिक्शन कर लिया गया था कि पैसेंजर इतने ही मिलेंगे, 40-50-100 जो हम पहले से प्रोडिक्शन करके चले थे, उसी हिसाब से उनको डेली के पैसेंजर जो है वो मिल रहे हैं, मुश्किल से 30-40-50 पैसेंजर जो है मिल रहे हैं। कोई गलत नहीं है दोस्तों, आज 30-40-50 मिल रहे हैं, कल के दिन अगर ये ट्रेन कैलारस तक शुरू हो गई तो कैलारस के और ग्वालियर के बीच में आप लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी इस ट्रेन में, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और ये मेरा द्वारा किया गया एनालिसिस है, उसमें आप ये मान लीजिए तब रेलवे को ग्वालियर से कैलारस के बीच में कम से कम 3 में वो ट्रेन चलानी पड़ेगी तब जाके यहाँ का लोड जो है। इसलिए रेलवे समझदार है, पहले रेलवे को पता है कि हमारे द्वारा बनाए गए जो प्रोजेक्ट है, जो 1500 करोड़, 1100 करोड़, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसमें पैसा जो है हम वसूल कर लेंगे। तो यहाँ की दोस्तों कुछ स्थिति इस प्रकार से देखने का प्रयास कीजिए, नीचे जो है वो लगातार काम पे काम जो है किया जा रहा है। और यहाँ पे अभी क्या होगा दोस्तों, ये पटरी डली हुई है, पटरी के पैरेलल एक पटरी को डाली जाती है पुल के अंदर, जैसे कि आपको पता मालूम है, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, ताकि जो स्लीपर्स होते हैं स्लीपर को जो पटरी से नट बोल्ट करके कस दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन होने के कारण वो स्लीपर जो है नीचे ना गिरे, किसी प्रकार कोई भी अनियमित स्थिति ना हो। दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रकार की बैलेंसिंग आउट ना हो। सामने आप एक खूबसूरत सा ब्रिज देख रहे हैं, ये वही नहर का पुल है, और यहाँ से पटरी डालती हुई वो ट्रेन जो है वो गई थी, और ये आप रोड देख सकते हैं, और ये जा रहे हैं चंबल का जो अपना महत्वपूर्ण वाहन होता है, यंत्र वाहन वो जा रहा है। अभी तक यही यहाँ की लाइफलाइन थी, चंबल की लाइफलाइन अभी यहीं थी, परंतु अब धीरे धीरे चंबल की लाइफलाइन कहलाएगी यहाँ की मेमू ट्रेन है, यहाँ की एक्सप्रेस ट्रेन है, कि चूंकि ग्वालियर से श्योपुर के बीच में डिस्टेंस ही 250 किलोमीटर की है, अगर रेलवे रूट का मान ले तो 200 किलोमीटर तक का मान लीजिए या 220 किलोमीटर का मान लीजिए, 220 किलोमीटर से कम तो दोस्तों किसी भी हालत में श्योपुर नहीं होना है। जब ग्वालियर से गुना के बीच में ट्रेन चलाई जा सकती है, जब ग्वालियर से भोपाल के बीच में एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सकती है, जब ग्वालियर से झांसी के बीच में एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सकती है, तो दोस्तों ग्वालियर से श्योपुर के बीच में एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेंगी, ग्वालियर से श्योपुर के बीच में क्या जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वो नहीं चलेंगी, बिल्कुल चलेंगे, और 1-2-3 में उसे काम नहीं होने वाला यहाँ पे। जब ग्वालियर से श्योपुर की जो ट्रेन जो चलेगी तो 1-2 में उसे काम नहीं चलेगा, यहाँ चाहिए सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी चलेगी, एक्सप्रेस भी चाहिए रहेगी।
तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं सागर फाटक पे, और सागर फाटक पे आने के बाद यहाँ की स्थिति कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से रेलवे स्टेशन का जो काम है वो कितना हो चुका है। तो फाटक के जो सिग्नल है वो आप देखेंगे कि लग चुके हैं। फाटक के सिग्नल होते हैं जिनमें बताया जाता है कि भैया फाटक बंद है कि चालू है, रेड होता है और येलो होता है, मतलब एक होता है येलो ताकि सावधानी पूर्वक निकले और एक होता है रेड ताकि हम उसको क्रॉस कर जाएं। अभी एक सिग्नल आप देख रहे होंगे, ये है एडवांस स्टार्टर सिग्नल। एडवांस स्टार्टर सिग्नल क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी कई बार दे चुका हूँ। एक होता है प्लेटफॉर्म पर जिसे बोलते हैं हम स्टार्टर सिग्नल, यानी कि जब ये मिलेगा तो ट्रेन वहाँ से स्टार्ट होगी, जिसमें येलो और रेड लाइट होती है। एडवांस स्टार्टर सिग्नल में क्या होता है, ग्रीन और रेड लाइट होती है ना। अगर एक बार स्टार्टर सिग्नल से येलो सिग्नल ट्रेन को मिल गया और अगर वो मेन लाइन पे आ गई तो उसके बाद उस ट्रेन को नहीं रोका जाता, उसको सीधा ही इस किसी प्रकार कोई इमरजेंसी हो अगर काम होगा तो उसमें तो हर परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लगा हुआ है वो एडवांस स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिलेगा और ट्रेन सर पर दौड़ती हुई जाएगी सीधा सुमावली, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट जो है जो नेक्स्ट स्टेशन है वो सुमावली का ही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। यहाँ भी जो भी पुरानी पटरी, वास्तविक कंडीशन यही है, जो अगला रैक आएगा वो जो अपना जोरा का रेलवे ट्रिप जो रेल जोरा का जो पुल है वहाँ से लेके और जो सिटी ब्रिज है वो यहाँ तक का जो पटरी का रैक लेके आएगा और वो यहाँ पे आके ट्रैक डालेगा। और इसके बाद केएलआरएस का नंबर है, केएलआरएस तक दोस्तों जल्द से जल्द जनवरी तक, 26 जनवरी तक मैं पता है 26 जनवरी तक जो है रेलवे द्वारा ट्रेन का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इलेक्शन के बाद पक्की बात है जो नई सरकार जो भी आएगी, जो भी सरकार आए वो उसका इनॉग्रेट करेगी। तो इस कुछ इस प्रकार से स्थिति है। अब दोस्तों यहाँ से आगे की वीडियो मैं आपको अगले पार्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। और मिलेंगे आपसे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत और वंदे मातरम।